नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा एमएस वर्ड में अरेंज ग्रुप का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको वर्ड ओपन कर लेना है। हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद देखिए आपको पेज लेआउट मिलेगा, आपको अरेंज ग्रुप देखिए दिख रहा है। इसका ये सब हाइड आपका क्यों दिख रहा है, इसलिए क्योंकि अगर हम इमेज पर काम करेंगे तभी ये चीज़ आपका दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से फोटो ले लेंगे कोई फाइल पर, इंसर्ट में जा करके पिक्चर से हमने यहाँ से ही फोटो ले लिया है, तो हमारा आ गया पेज लेआउट में जाएंगे, देखिए आपका ये हाइड अनहाइड हो गया। ठीक है, और ऊपर आप छोटा कर लीजिए। अभी देखिए आपका मूव नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, राइट टेक्स्ट पे जा करके बिहाइंड कर देंगे तो आपका मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे आप टॉप बॉटम कर देंगे, जहाँ पर करना चाहें उसको आप उस तरह से करेंगे, आपका मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। पोजीशन का मतलब होता है कि जगह पे, किस जगह पे आपको उसको सेट करना है, पोजीशन का प्रयोग करके वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इक्वल कर कुछ लिखा है यहाँ पे, रैंड किया, टाइप कर लिया, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो पोजीशन का काम ही यही होता है कि वो क्या करता है, सही पोजीशन की जगह पे, सही जगह पे वो सेट करता है। ठीक है, इसका काम होता है आपका पोजीशन का। ठीक है, फिर आपका आता है फॉरवर्ड, मतलब आगे पीछे करना हुआ, विंडो फॉरवर्ड मतलब आगे पीछे का सकते हो, फ्रंट दिया और लेफ्ट दिया। जैसे कहने मतलब हम कोई वर्ड आर्ट से कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे मैंने वर्ड आर्ट लिया यहाँ से और वर्ड आर्ट से हमने कुछ चीज़ लिखा, हम लिखने बात क्या क्या, मैंने इसको कलर किया, वाइट कर दिया। इस वर्ड देखिए इसके ऊपर आपका दिखाई दे रहा है, इसको पीछे ले जाना है, इसके बाद यहाँ पर जा करके और फार बैक कर देंगे, देखिए बैक आपका हो गया, फ्रंट कर देंगे आपको फ्रंट आपका हो जाएगा, सॉरी बैकवर्ड आपका जो फ्रंट हो गया। यहाँ जाके आप बैकवर्ड कर देंगे, यहाँ जाके आप निकलेंगे फ्रंट आपका फॉरवर्ड आपका हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। सिलेक्शन का भी इससे आपका काम होता है, जिस पर काम करेंगे उसको सेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो सिलेक्शन का हाइड करना चाहते हैं तो छिपा सकते हैं चीज़ को, देखिए उनको छिपा सकते हैं, आप दिखाना चाहते हैं उसको दिखा सकते हैं, आप दिखा भी सकते हैं, सिलेक्शन का काम होता है। फिर आपका इसमें आता है अलाइन, अलाइन मतलब किस साइड में को करना, उसको लेफ्ट करना, राइट करना, सेंटर करना, जस्टिफाई करना इमेज को, उसे किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ग्रुप, क्या आता है ग्रुप, ग्रुप का काम होता है वो, ग्रुप का काम होता है इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, और उसे क्या करेंगे, कहते हैं ग्रुप। देखिए आपने कंट्रोल सेट किया, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट किया, देखिए इधर आपका दिख रहा है, हो गया। हम क्या करेंगे, चारों को सेट करेंगे कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्रेस करें, छोड़ना नहीं है, आपको सेट किया, देख ग्रुप आपका ऑन हो गया। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे करेंगे तो ऑन नहीं होगा, दो टोपी कंट्रोल जिसे सेट करेंगे ऐसे ऑटोमेटिक आपका ऑन हो जाएगा। देखिए ग्रुप कर देंगे, इस इमेज को चाहे जहाँ ले जा रही है, मैंने बताया नहीं था पहले, इमेज को चाहे जहाँ पर ले जाना चाहे आसानी से ले सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं एक साथ में पूरे, इसी को बोलते हैं ग्रुप, क्या बोला जाता है ग्रुप। अपने ग्रुप कर दिया, इस ग्रुप को अन ग्रुप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जा करके ग्रुप पे अन ग्रुप कर देंगे, आपको अन ग्रुप कर देना। देखिए इमेज को किसी एंगल पे, किसी कोण पे घुमाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको एंगल पे, कोण पे स्विच को घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा अरेंज ग्रुप का प्रयोग कैसे करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेलिंग्स टाइप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, मेलिंग्स के सभी कमांड के बारे में आपको बताया जाएगा, क्रिएट करना। ठीक है, थैंक यू, वेलकम।